से मैं रविंद्र बहादुर सिंह, सोनभद्र जिला अध्यक्ष और प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष। अनुदेशकों का यह क्रमिक अनशन चल रहा है, 2 अक्टूबर 2023 से अनवरत चल रहा है। प्रत्येक रविवार को 12 बजे से 2 बजे तक ये आपके सामने हम लोग महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं शांतिपूर्वक। हम उत्तर प्रदेश सरकार से बस यही निवेदन करेंगे कि जो 17,000 हमारा 2017 में पास हुआ था उसको वो देने की कृपा करें। हाई कोर्ट में भी 2-2 बार पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी आदेश दिया गया कि हमको 1 साल का दे करके तभी वो जो है आगे लड़ें, लेकिन सरकार द्वारा जो है हमारे प्रति सहानुभूति नहीं प्रकट की जा रही है, जिसके लिए हमें खेद है। हम यूपी सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि हमें 2017 से जो 17,000 मांग पूरा हुआ है वो हमें दिया जाए। उसके बाद 2-3 मुद्दा हमारी है, हम अनुदेशकों को भी अपने घर के आसपास जो है ज्वाइनिंग दिया जाए, इस तरीके से हम मांग रखते हैं, क्योंकि 9,000 में हम अपनी मांगों को पूरा नहीं कर पाएंगे, अपने घरों के कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें पास में ज्वाइनिंग दिया जाए ताकि हम अपनी समस्याओं का समाधान कर पाए, हमारा जो मानदेय है उसको दें। इस क्रम में उच्च हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मुकदमा चल रहा है, उसमें भी हमें सफलता मिली है। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जो आदेश हुआ है उस पर सरकार ध्यान दे। हमारी अनुदेशक बहनों का जो स्थानांतरण बहुत दूर हो गया है उसको पास में करने का कष्ट करें। मेरे यहाँ इतनी समस्या खराब है कि रास्ता भी नहीं आने जाने का, और मैं बहुत परेशान हूँ। आज हम लोग का 10 साल हो गया कार्यक्रम, लेकिन कोई न मानदेय में बढ़ोतरी हुआ, न हम लोग आने जाने कोई सुविधा मिली। सर किस तरह हम लोग आते जाते हैं, सरकार हम लोग कैसे कर रही है, न हम लोग CCA मिलता है, न मटेरियल मिलता है, सर CL मिलता है, बताइए हम लोग 10 CL में कैसे चलेंगे। तो को जिला वाइज ट्रांसफ़र करें, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे कुछ घर पर हैं, कुछ मेरे साथ हैं, मेरे हस्बैंड जी गाँव पर रहते हैं, हम यहाँ अकेले रहते हैं बच्चे को लेकर के। मुद्दा दयनीय है, जिसमें जो है वेतन को लेकर के जो कोर्ट द्वारा जो है कई बार निर्णय दिया गया, लेकिन सरकार ने नहीं मान रही है, 9,000 हम लोग को दे रही है, जिसमें अनेक प्रकार की जो है समस्या हो रही है। हम जो है गृह ब्लॉक में जो है करना था, लेकिन गृह ब्लॉक में ना करके अधिकारियों ने मनमाना किया कि जो है जिस गृह ब्लॉक में था आदमी उसके ब्लॉक को छोड़ करके तीसरे चौथे ब्लॉक में कर दिया, जिससे जो है कि हम लोग 9,000 रुपये में केवल हम लोग का आना जाना ही हो जा रहा है।